हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें एम कोड्स का भी यूज होता है, जी कोड्स का भी यूज करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इंडिविजुअल हम बात करेंगे कि एम कोड कहाँ पे यूज होता है, उसका फंक्शन क्या है, जी कोड्स कहाँ पर यूज होते हैं और उसका फंक्शन क्या है। तो आज एक हम छोटा सा प्रोग्राम, सीएनसी मशीन का एक प्रोग्राम हम बनाएंगे। उसमें लाइन बाय लाइन आपको हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसमें हम आपको यह बताएंगे कि कहाँ पर एम कोड का यूज होता है, उसका फंक्शन क्या है और कहाँ पर जी कोड का यूज होता है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, एम जो कोड होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यह क्या करता है, ओवरऑल प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। क्या करता है, ये ओवरऑल प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, एम कोड है ना, इसको मिसलेनियस कोड भी बोलते हैं। और यह जो होता है यह डायरेक्ट मशीन के एक्शन को दर्शाता है। डायरेक्ट या जब भी हम कोड यूज करेंगे तो वह डायरेक्ट क्या करता है, मशीन का वो एक्शन होता है। अब ये जब हम प्रोग्राम आपको बताएंगे, उसमें समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम जी कोड की बात करते हैं, तो जी कोड क्या करता है, यह हमेशा डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, पोजीशन के बारे में, हमेशा पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। और जी कोड के द्वारा ही हम प्रोग्राम में किसी भी पोजीशन में हम जा सकते हैं। अगर हमें एक्स की पोजीशन में जाना हो, जेड की पोजीशन में जाना हो, तो हमें इस एक्सिस में मूवमेंट करने के लिए जी कोड का हेल्प लेना पड़ता है। सीएनसी में हम दो एक्सिस में मूवमेंट करते हैं क्योंकि उसका जो एक्सिस होता है वह दो होता है, पहला एक्स और दूसरा जेड। अगर हम इसी वर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें x, y और z, यह y जो एक्सिस है इससे एक एक्सिस अधिक हो जाता है। इसमें भी अगर हम इसमें मूवमेंट करें या इसमें करें या इसमें करें तो हमें g कोड का हेल्प लेना पड़ेगा। एक्सिस की मूवमेंट के लिए हमें m कोड का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है ना, यह किसका है, सीएनसी मशीन का है। ठीक है, यह किसका प्रोग्राम है, सीएनसी मशीन का प्रोग्राम है। इसमें जितने भी आप ब्लॉक देखेंगे वह टू एक्सिस में मूव करेगा, किसमें, एक्स एंड जेड, इसमें वाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, इसमें हम ये बात करेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, यह क्या है, यह एक स्केच हमने बनाया हुआ है जिसका डायमीटर 50 है और लेंथ कितना है, 60 है।
तो यह कट पीस कितने का हो गया, 60 × 50 mm का, ठीक है। तो इसका सर्कल कितने का है, 50 mm का। तो हमें इसमें काम क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम इसको फेसिंग करेंगे और उसके बाद कुछ डिस्टेंस तक हम टर्निंग करेंगे, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, फेसिंग करेंगे पहला और दूसरा हम टर्निंग करेंगे। इसमें हम आपको यह समझाएंगे कि एम कोड्स और जी कोड्स का यूज कहाँ करते हैं और दोनों का कहाँ पे फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है इसके, ठीक है। अब हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम नंबर देते हैं। तो हमने प्रोग्राम नंबर 10 दिया है, ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे हम छोटी ब्रैकेट में उस पार्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन हम ज़रूर देते हैं। जैसे हमने इसका दिया है पार्ट 60 × 50, ताकि हमें प्रोग्राम को सर्च करने में आसानी हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिफरेंस पॉइंट देते हैं, है ना, G0, G28, U0.0, W0.0। नेक्स्ट में क्या करते हैं हम, T01, 01। ये जो होता है यह क्या होता है, टूल नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जो 01 होता है यह क्या होता है, ऑफसेट नंबर होता है, यानी टूल नंबर एक का ऑफसेट एक नंबर ऑफसेट में है, ठीक है। इसके बाद रिफरेंस पॉइंट से G0Z100, यह क्या किया, जेड एक्सिस में ट्रेवल किया, किस में, रैपिड में। G0 का मतलब रैपिड होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, हमने कांस्टेंट आरपीएम को रीड कराया हुआ है और स्पिंडल को क्लॉकवाइज हमने रोटेट किया, ठीक है। इसके बाद कटिंग स्पीड 180 का हमने दिया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यह कांस्टेंट आरपीएम है और इस वाले ब्लॉक में कटिंग स्पीड है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, G0Z50 100 mm से उसके बाद हम Z50 mm तक ट्रेवल किए। इसके बाद M08 कूलेंट ऑन हमारा हुआ, ठीक है, ट्रेवल जेड एक्सिस में ट्रेवल भी किया और कूलेंट भी, कूलेंट ऑन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यह हमेशा फंक्शन दे रहा है, स्पिंडल को रोटेट करना है, कूलेंट को ऑन करना है डायरेक्ट मशीन से, और जी क्या करता है, हमेशा एक्सिस की मूवमेंट दे रहा है, जेड में कहाँ जाना है, कितना जाना है, वापस जाना है, आगे जाना है, पीछे आना है, एक्स एक्सिस में क्या करना है, हमेशा जो जी का जो फंक्शन होता है वह हमेशा डायरेक्शन देता है कि आपको जेड में जाना है, एक्स में जाना है, कहाँ जाना है। और एम क्या कर रहा है, हमेशा एक मशीन से डायरेक्ट यह फंक्शन को दर्शाता है, जैसे कूलेंट ऑन करना है, आरपीएम को, स्पिंडल को रोटेट करना है, ठीक है। अभी और आगे हम देखेंगे कि इसका क्या क्या फंक्शन है। इसके बाद क्या हुआ, G0X55Z5, इसने क्या किया, एक्स में भी ट्रेवल किया और जेड में भी ट्रेवल किया, लेकिन क्या, रैपिड में किया। रैपिड में हम कम कब करते हैं, जब वर्कपीस से, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे Z0 किया हुआ है, ठीक है, और कंपोनेंट आप, टूल आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से आपका ये एयर है, हवा में है मशीन, तो यहाँ आप रैपिड यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इसके नज़दीक आएंगे, जब हम कटिंग चालू करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, G01 का यूज करेंगे, वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे आप, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, G01X52Z1, इसके बाद हमने फीड यहाँ पे चालू किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमने स्टार्ट लीनियर कमांड का हमने स्टार्ट किया और साथ में फीड भी दिया। जब हम स्टार्टिंग में जब हम G01 यूज करते हैं
तो फीड देना नेसेसरी होता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया, कंपोनेंट के पास लेके आ गए Z0.0। देख रहे हैं हमेशा जी जो है वह डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, इस बीच में एम कोड का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद G01 X-2, अब क्या है, इसे X एक्सिस में ट्रेवल किया है और यहाँ पे फेसिंग स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कौन सी फेसिंग, ये जो अभी हम आपको बताए थे, यह फेसिंग स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मशीन बैक गया G01 Z1, क्योंकि Z0.0 पे इसने फेसिंग किया। तो आप G01 में भी पीछे ले सकते हैं, इसमें साइकिल टाइम का थोड़ा इशू रहता है, तो आपको कटिंग नहीं करना है, तो G0 Z1 रैपिड में आप लीजिए। ठीक है, इसने क्या किया, रिटर्न लिया 1 mm, इसके बाद 50 mm एक्स में प्लस गई मशीन, किसमें, एक्स एक्सिस में। तो आप हमेशा देख रहे हैं जी कोड का यूज कहाँ हो रहा है, हमेशा डायरेक्शन को, डायरेक्शन दिखाने में हो रहा है कि हमें किधर को मशीन लेकर के जाना है। इसके बाद क्या किया, G01 Z-35 यानी 35 mm तक जेड एक्सिस में ट्रेवल किया और साथ में इसने टर्न किया इस एरिया को, यहाँ तक इसने 35 mm तक टर्न किया इसको। ठीक है, इसके बाद एक्स में 55 mm तक गया और यहाँ पे देखिए अब एम कोड का यूज हो गया M09। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, M09 का मतलब क्या होता है, कूलेंट ऑफ। हमने प्रोग्राम को स्टार्टिंग में कूलेंट ऑन किया था, अब यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है, तो M01 से कूलेंट को ऑफ करेंगे। उसके बाद Z5 mm तक मशीन पीछे गई है M05। अब क्या हुआ यहाँ पे, 5 mm पीछे गई जेड एक्सिस में और साथ में स्पिंडल ऑफ किया। ठीक है, इसके बाद रेफरेंस पॉइंट, होम पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट बोलिए या होम पोजीशन इसको बोलिए। ठीक है, एक्स एंड जेड दोनों में हमने किया और साथ में लास्ट में, सबसे लास्ट में M30 कमांड से हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो आपने इसमें देखा कि जब भी हम M कमांड का यूज कर रहे हैं वो एक्सिस की मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है, किसी भी एक्सिस की मूवमेंट को वो नहीं दर्शाता है। तो हमेशा जो जी कोड का काम होता है वो हमेशा डायरेक्शन शो करने के लिए होता है कि आपको किस एक्सिस में कितना जाना है, कैसे जाना है। ठीक है,